कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के मौके पर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ लिया। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। 24 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे की हलचल लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिंधिया के भाजपाई हो जाने से खुश नहीं हैं, पार्टी में मिलने वाली सिंधिया समर्थकों को तवज्जो से खुश नहीं हैं। और अब इन्हीं सब पर चर्चा करते हुए सामने आए हैं राकेश सिंह, जो सीधे तौर पर कहते हैं सिंधिया और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को लेकर हमारी पार्टी में ना तो असंतोष है ना ही नाराजगी। सिंधिया और उनके साथ बीजेपी में आए नेताओं ने पार्टी की रीति नीतियों को आत्मसात कर लिया है, इससे बीजेपी के सभी नेता कार्यकर्ता उनके साथ बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। हमेशा से बीजेपी की पहली प्राथमिकता कमल का फूल रही है, पार्टी का ध्वज रहा है, लेकिन बीजेपी सिंधिया के सम्मान की सदैव पूरी चिंता करेगी। आपको बता दें, 24 सीटों पर आगामी उपचुनावों से पहले कांग्रेस की ओर से सिंधिया पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता सिंधिया को गद्दार कह रहे हैं। इन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए राकेश सिंह ने कहा, पुरानी कहावत है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस के पास फिजूल के आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम अफवाहों को नहीं रोक सकते, लेकिन जोशी ने गुरुवार तक बीजेपी की प्रबंध समिति की सभी बैठकों में शामिल होकर सकारात्मक सुझाव दिए हैं। आपको बता दें, दीपक जोशी का जिक्र यहां पर राकेश सिंह ने किया। कहा जा रहा था कि दीपक जोशी सिंधिया की वजह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन राकेश सिंह ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।